हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो 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 सालों साहब, आई एम डाइंग। क्या 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 कहा आपने? मर रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। आई एम डाइंग। चलो चलो, ठीक से पकड़ो इसे। जानते नहीं हो कितनी खतरनाक लड़की है ये? देखो, तुम लोगों को प्यार से समझा रही, छोड़ दो। वरना 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 क्या? हाँ, बहुत अच्छे शीना। सामने आ कायर, पीछे छुप के क्या धमकी दे रहा है? अच्छा लगा, अभी भी वही तेवर। चलो, तुम्हें यहाँ लाने में जो मेहनत हुई है उसका कुछ फायदा तो मिलेगा। मुझे जिंदा छोड़कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शीना शीना शीना, ये सही नहीं है। अच्छा, और जो तुमने किया वो सही था? अगर बातें भूल गए हो तो तुम्हें तुम्हारा कल का कारनामा याद दिला। हेलो शीना, तन नीचे कर। बॉस के ऑर्डर्स हैं, काम खत्म, आदमी खत्म। सही किया मैंने, जो काम तुमने कल किया उसके लिए तो मार ही देना चाहिए था तुम्हें। जो कैनेस्टर तुमने हमें दिया उसमें वो चीज ही नहीं थी जो तुमसे बनाने के लिए गए। तुमने क्या सोचा कि तुम हमें धोखा दोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? धोखा? धोखे का बदला धोखा। अगर तुम्हारा इरादा मुझे मारने का है ही नहीं तो मैं जा रही हूं। जो लॉलीपॉप मिनी के हाथ में है उसमें जहर है, जहर। मिनी, नहीं, उसे मत डालो, उस लॉलीपॉप को मत। क्यों डर गई? लॉलीपॉप में जहर ही नहीं है शीना। लेकिन हो सकता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अपनी बेटी की जान की सलामती चाहती हो तो हमारा काम पूरा कर दो, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची के साथ मत करना। तुम जो कहोगे मैं
मैं वो करने को तैयार हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। सही फैसला। चलो अब सामने वाले दरवाजे की तरफ जाओ। आखिरी बार पूछ रहे हैं, कहाँ है हरप्रीत डोंगरा? क्यों आए हो यहाँ पे? क्या मिशन है तुम्हारा? हरप्रीत डोंगरा नहीं भेजा ना तुझे, हाँ? और वो बच कैसे गया? तो वो केक और वो बॉम्ब तो नहीं भेजा था ब्यूरो में? बट, बता, क्यों आया तू इधर? किस लिए? गुंडे मवालियों के साथ ये सब काम करता होगा, आदत बदल लो। हर जगह ये काम नहीं करता। एक किला, किले में एक चोर और इतने सारे सिपाही, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हरप्रीत डोंगरा के ताले की चाबी जो, हरप्रीत को तुम लोगों से क्या चाहिए जैसे मुझे पता लगेगा बता दूंगा, पर अभी तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूं। वो जो तुम्हारा डॉक्टर सोलंकी है ना, वो मरने वाला है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो बता लो। फोन नहीं उठा रहे। क्या किया तूने सोलंकी साहब के साथ? मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो यहां हूं तुम्हारे साथ। हेलो 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 सोलंकी साहब, आप ठीक तो हैं? I'm dying. क्या कहा आपने? मैं मर रहा हूं। डॉक्टर साहब बोलिए, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है आपको? वो देखिए ये ऐसे क्यों चल रहा है? तुम सब मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ मेरे पास मत आओ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे फोन दो, जरूरी कॉल करना। हेलो, हाँ अभिजीत, हाँ मैं पहुंच गया, हाँ हाँ ठीक है, नहीं नज़दीक था मैं आ गया, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके, हटिए जरा देख लीजिए, हटिए।
दूर जा, दूर जा, इससे दूर जा, कोई किसी को छुएगा नहीं। दूर हटिए मैडम, आप दूर हटिए। चलो जी, एक बात और से सुनो, तुम लोग यहाँ पर कोई नहीं आना। मैंने कह दिया कोई नहीं आना, अंडरस्टैंड? कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, दिस माय ऑर्डर। या उस लाश की वजह से मेरी यह हालत हुई अभिजीत। अभिजीत, I'm dying. सरोगे साहब, I'm dying. मुझे किसी भी हालत में मेरे मरने से पहले इस बॉडी को चेक करना ही होगा, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कुछ तो है इसकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो गया कैसे होगा? कोई कट नहीं है, कोई स्टिचेस के निशान नहीं है, कैसे? पता तो लगाना होगा। क्या आओ, ये है इसके अंदर, ये है। माय गॉड, तो इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। ओ, ओ। सरोगे साहब, क्या? अंदर मत आना, बाहर जाओ। ये आपके चेहरे पे ये सब हुआ क्या? तुम लोग जाओ यहाँ से। उसकी वजह से मेरे शरीर में वायरस घुस गया है। सर, जो बाकी लोग ढाबे पर थे, उनका क्या हुआ? सबके सब मर गए, इसी की वजह से सब मर गए। हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाओ, नहीं तो सबकी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, प्लीज। जाओ तुम लोग, ये वायरस पूरी तरह से तबाही मचा देगा। सर, हम आपको यहाँ इस हालत में कैसे छोड़ सकते अकेला? अब नहीं दया, तुम जाओ। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। जाओ, ज्यादा से ज्यादा मैं 3 से 5 घंटे तक जिंदा रह सकता हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं। उधर देखो, वो देखो, इसके अंदर ऐसा क्या है, ये पता लगाना है मुझे। कटोरी डमटा की वजह से हो रहा है। रेडी लेके आओ उसे। पता कैसे ठीक होंगे सारों के साथ? ठीक होगा ये? यहाँ पहले दूर देश की बात है, वहां एक राजा सोलंकी रहता था। हो जाएगा इसका। बहुत कहानियां सुना रहा है, तुझे इतिहास बना दूंगा, समझा? दया, नहीं दया, इसे गोली मत मारना। इसी की वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ ना। मैं नहीं बचा सकता, हाँ, लेकिन तुम लोग बचा सकते हो। इन सब के लिए हरप्रीत टुंगारो को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तू भी चाहेगा टके के भाव। अगर इसे बचाना है तो अपने अंदर की एनर्जी बचाओ। पूरी रेडी, ले जाओ इसे। चलो चल। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा सर। वो देखो, वो जो 2 ब्राउन बॉटल्स हैं, उनके बीच में एक छोटी बॉटल है, टैलिक्स भी। मुझे वो इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन सावधानी से। Thank you.
हूँ। अभिजीत, हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। ठीक ही रहता है। ये जो आदमी वायरस लेके घूम रहा है, ये पता लगाते हैं कौन? जिस गाड़ी में बैठ के आदमी ढाबे में आया था, शायद उस गाड़ी से कुछ पता चल जाए। एकदम नहीं है, अभी तक इसकी प्लास्टिक सीट भी नहीं निकली है। गाड़ी किसी संजय के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये संजय? अरे ये क्या, जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था, जो आदमी डॉक्टर सालुके को ढाबे में पिला था, उसके बाल तो सुनहरे रंग के नहीं थे। इसका मतलब है उसके साथ गाड़ी में कोई और भी था। गांव की लंबाई ना तो बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी, पुराने आदमी है क्या? पर अभिजीत, गाड़ी में जो भी था वो आदमी गया कहां? क्योंकि ढाबे पे तो गाड़ी से वो आदमी अकेला उतरा था। अब इन सारे सवालों का जवाब इस संजय के घर से ही पता चलेगा। ऐसे भी सुन, शायद उन्हें हरप्रीत डोंगरा के बारे में कोई खबर लगी होगी। यार कहीं साड़ुंके साहब के बारे में तो पता नहीं चल गया? हेलो सर। अभिजीत, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं समझी? क्यों, तुम्हें क्या लगा कि सारुंगे के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं? एक बात याद रखना। अरे एक बात की खबर रखता हूँ मैं, समझे? अरे एक बात। सॉरी सर, हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें? कि मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगरा के पीछे आया हूँ तो मेरा वहाँ क्या चल रहा है उससे कोई वास्ता नहीं? अभिजीत, इस केस के सिलसिले में जो भी हो रहा है अभी तक उसकी अपडेट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी, समझे? सर वो हमने सोचा कि इस समय आपको ये बात बताकर आपको परेशान करना ठीक नहीं है। आप वहाँ अकेले इतने बड़े काम में लगे हैं तो एक्चुअली सर हम यही सोच रहे थे कि आपको ये बात बताएं तो कैसे बताएं सर? वो क्यों नहीं बताओगे तुम मुझे? क्यों नहीं बताओगे? और मुझे कौन सी परेशानी है? एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये CID कोई आम कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऐसा परिवार है जो इस दुनिया से जुर्म को मिटाने के लिए पैदा हुआ है। जुर्म को मिटाने के लिए, इसलिए साड़ुंके को कुछ भी नहीं होना चाहिए। साड़ुंके जिंदा चाहिए मुझे। यस सर, हम आपसे वादा करते हैं साड़ुंके सर को कुछ नहीं होने देंगे। सर मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे थे सर, उसमें से भी कितना समय निकल चुका है। संजय कहाँ है? संजय क्या हुआ सर, क्या बात है? किसी की जान पे बनी है, बुलाओ उसे। सर नहीं है। तुम कौन हो? मैं पॉलोमी, उनकी असिस्टेंट। एक मिनट, ये देखो HRK 876। ये संजय की गाड़ी है? हाँ सर। कौन है पॉलोमी? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कौन हो आप लोग? तुम संजय? जी नहीं, मेरा नाम केतन है और हम दोनों सर के असिस्टेंट हैं। मगर आप लोग कौन हो? कहीं आप लोग रिकवरी वाले तो नहीं हो? देखो जो भी मैटर है वो सर के आने के बाद हम बात करेंगे, जाओ अभी। देखो हम लोग CID से हैं, संजय की गाड़ी में हमें एक लाश मिली है,
जिसकी मौत एक खतरनाक वायरस से हुई है और उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने चले गई हैं। इसलिए भलाई इसी में आप लोग। ये फोटो, ये कौन है? यही तो है संजय सर। मतलब सर, संजय वैसी हालत में अपनी गाड़ी चलाकर ढाबे तक पहुंचा। देखिए, संजय की मौत हो चुकी है एक खतरनाक वायरस की वजह से जो बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस? संजय के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप लोग? पिछले कुछ दिनों में वो कहां जाता था, क्या कर रहा था, किससे मिलता था, कोई भी अजीब बात? सर, संजय सर तो एक बहुत ही सीधे साधे पेंटर थे, उनकी तो पेंटिंग भी नहीं बिकती थी, उल्टा वो 12 करोड़ रुपए के कर्ज में थे। लेकिन सर, उस रात सर ने बहुत अजीब सा बिहेव किया। अरे तुम लोग अब तक घर नहीं गए? बस जा रहे थे सर। अरे वाह सर, आज आप शॉपिंग के लिए गए थे? सर मतलब, चलो तुम लोग दोनों निकलो, घर निकलो। ओके। और मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं गया था, चलो निकलो। ओके सर, बाय। अरे केतन, जरा सुनो तो। हाँ सर। मुझे तुम्हारा मोबाइल मिलेगा? सर सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम लोग जाओ। ओके सर, गुड नाइट सर। सर, हम बाहर मेरी बाइक पर संजय सर का अजीब बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने एक चौंका देने वाला नजारा दिखा। संजय साड़ी पहनकर अपने घर की खिड़की से कूदा और किसी अनजान गाड़ी में बैठ के चला गया छुप छुप के, रात को 12 बजे। हाँ एक्चुअली सर, हमें भी बहुत अजीब लगा, लेकिन सर वो कर्ज में इतना डूब चुके थे कि वो आए दिन उठपटांग हरकतें करते थे, इसलिए हमने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कल तक कर्ज में डूबा हुआ आदमी और 7-8 लाख की गाड़ी, रात 11:30 बजे तुम्हारा फोन मांगना और फिर साड़ी पहन के एक अनजान गाड़ी में गायब हो जाना और फिर कुछ दिनों बाद चलता फिरता वायरस बन जाना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। केतन, उन्होंने तुम्हारा फोन मांगा था ना, जरा अपना फोन नंबर दो जल्दी। हाँ सर। यही एक क्लू मिला है सारों के साहब को बचाने का। पूर्वी, 2 घंटे निकल चुके, 3 घंटे बचे हैं सर, सारों के सर बच तो जाएंगे ना।
संजय तो चलता फिरता वायरस बॉम्ब था। उसके पेट में इतने घातक सिलेंडर रखे हुए थे वायरस के, अगर ये फैल जाता ना तो। हेलो सर। क्या डॉक्टर सालू का हिल नहीं रहे? ओह नो, अब उन्हें दोबारा वो डेलेक्स भी दे भी नहीं सकते। हाँ ठीक है ओके या सर, अगर इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिला तो सालू के साथ वो कुछ नहीं हो सकता, पर वो एंटीडोट भी जरूर मिलेगा। 5 घंटे के अंदर अंदर किसी तरह से डॉक्टर सालुके को बचाना होगा। ये कटोरी डमटा उसकी बात को सच नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो हमें हरप्रीत जोंगारा को ढूंढना होगा, वही है सबके पीछे। सचिन पूर्वी, वो संजय का असिस्टेंट केतन, उसके फोन का क्या हुआ जो संजय अपने साथ लेकर गया था घर से निकलते समय? शायद उसी से हम मुजरिम तक पहुंच जाए। सर उसका ट्रैवल रूट निकल लिया हमने सर। केतन का मोबाइल पिछले हफ्ते 11:30 बजे संजय के घर से होता हुआ MG रोड की तरफ निकला और वहां से मोबाइल मुंबई से बाहर गया। यहाँ अराकान हाईवे पे 25 किलोमीटर तक सीधे गया, उसके बाद फिर यहाँ पर आके करीब 20 मिनट तक रुका, फिर आगे बढ़ा और यहाँ ये माया चौक पे रुक गया। फिर चला यहाँ से और फिर ये लेफ्ट को रास्ता लिया इसने जो झरनापुर की तरफ जाता है सर, और कहीं बीच में आके फिर से रुक गया सर। हाँ ये देखो, यहाँ पर 48 घंटे रुका हुआ था, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। ये सड़क के बीच क्या जगह हो सकती है, वहां चल के देखते हैं। चलो केतन के मोबाइल का सिग्नल यही बता रहा है। यहाँ पे तो ये स्कूल है, हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, डॉक्टर सालुके की जान को खतरा है। जी कहिए आप, यहाँ पे कोई संजय नाम का आदमी आया, उसको जानते हैं आप? संजय? कौन संजय? इस नाम का तो कोई आदमी नहीं है। बड़ा ही अजीब स्कूल है, डेस्क और बेंच पे धूल जमी हुई है, स्कूल में सन्नाटा है जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, और स्कूल के टीचर के हाथ और चेहरे पे चोट लगी हुई है। क्या हुआ, संजय ने कुछ ज्यादा जोर से कार से धक्का मार दिया क्या? ये मेकअप तो ठीक से कर लेते हैं। हाँ खैर कोई बात नहीं, ये बताओ कि वो वायरस बनाने वाला कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, की अच्छी क्या हुआ? मेरी मेरी बच्ची मुझे मर जाना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप प्लीज अपने बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत करिए। आप है कौन और आप लोगों को यहाँ इस तरह बांध के किसने रखा? मुझे और मेरी मम्मी को बांध दिया था एक बैड अंकल ने, आप हमें बचाने आए हैं। हाँ हम लोग हैं, आप घबराओ मत। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? वो जानलेवा वायरस मैंने ही बनाया है। मैं ये नहीं कर सकती, मेरी आत्मा इस बात की गवाही दे ही नहीं रही।
मैं इतनी बड़ी दवाई का हिस्सा कैसे बच सकती हूँ? नहीं, मैं लाखों लोगों की जिंदगी उनकी जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकती। मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा। दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर अपनी बेटी मिनी के बारे में सोचो। याद करो उसका मासूम चेहरा। जो चाहते थे मैंने उसे बना दिया। कुछ ही घंटों में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्या बात है शीना, मैं जानता था कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो ये। देखना कैसे मैं इसे लाखों लोगों को तोहफे में देता हूँ और इस तोहफे की शुरुआत होगी मुंबई की बर्बादी से। छोड़ो मुझे, ये सब तो हमारे बीच तय नहीं हुआ था। बॉस ने तुझे 12 करोड़ में खरीदा है, वसूली तो होगी ना। क्या करना चाहते हो तुम लोग? और ये आदमी कौन है और तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? मुझे बचा लो मैडम, मुझे कहा गया था कि मैं इस तरह घर से निकलूं कि कोई मुझे पहचान ना सके, और मैंने वैसे ही किया जैसा ये लोग चाहते थे। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वसूली तो होगी ही, तुम ही तो लेकर जाओगे इस शहर के लिए बनाया हुआ मेरा तोहफा, तोहफा वायरस का। क्या आपने बनाया वो जहरीला वायरस जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान जा रही है? हाँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ा अपनी बच्ची के खातिर। बेटी के लिए क्यों? क्योंकि कोई आदमी है जिसे मैंने देखा तो नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये वायरस नहीं बनाया तो वो मेरी बच्ची को मार देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे मुझे ये बनाना पड़ा। नहीं, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मिनी को कुछ नहीं होगा? हाँ, मान गए, मौत सामने खड़ी है और जिंदा होने का दम भर रहे हो। हाँ, अरे पहले ये तो सोचो कि लैब से निकलोगे कैसे, जो तुम्हारी कब्र बनी हुई है। एक बार सामने तो आ जा, पता चल जाएगा किसकी कब्र खुदेगी यहाँ पे। हो कौन तुम है? मेरा काम तुम तक पहुंच गया लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो। हाँ, लगता है आधा शहर साफ करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। हमारी वजह से डॉक्टर सालुंके की हालत है, देख हमें इस वायरस का एंटीडोट चाहिए, समझा? एक तो मेरा पूरे शहर को बर्बाद करने का प्लान चौपट कर दिया, ऊपर से मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूं। भूल जाओ, जब वो तुम्हारा डॉक्टर मरेगा तब पता चलेगा मेरा प्लान चौपट करने का नतीजा। तो डॉक्टर सालुंके को मारेगा? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? जिस आदमी ने अपने जान पे खेल के शहर के लोगों को बचाया तुझे मारेगा? सामने आ। सीआईडी वालों में भाईचारा बहुत है ना, तुम लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। तो ठीक है, तुम लोगों को भी वहीं पहुंचा देता हूं जहां संजय जा चुका है और डॉक्टर सालुंके जाने की तैयारी में है, और साथ में इन माँ बेटी को भी ले जाओ, कंपनी मिल जाएगी। घबराने भी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटा ये बांध लो, कर्ची बांध लो और धीरे धीरे सांस लेना, ओके? कर लो, जितनी चाहे कोशिश कर लो, यहां से तुम लोग निकल नहीं पाओगे। थोड़ी देर में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे।
अर्नब तुम अरे घर तो क्या करो दुआ बंद करो ये वायरस तुम्हारे शरीर में भी है हमारे साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ वो एंटीडोट कहाँ है ना लग रहा था इस बार तो आंख बंद होगी खुलेगी नहीं कैसे नहीं खुलती सर आपको इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देते हा? आपने अपनी जान पे खेल के लाखों की जान बचाई है उस वायरस से आपकी जान बचाना तो बहुत जरूरी था हमारे लिए अरे सर हमने आपके लिए डीसीपी चित्रोले की 24 घंटे की डेडलाइन को 5 घंटे में समेट दिया अरे यार ये चित्रोले भी देखा उस जहर से तुम लाखों को मारने चले थे और एक ये हमारे डॉक्टर सालू के साथ उन सबको बचा लिया शर्मानी चाहिए तुम्हें अब बताओ एक नामी बिजनेसमैन होकर भी ये मौत का खेल क्यों खेला तुमने बिजनेसमैन के अलावा मैं एक महान साइंटिस्ट हूं सारी दुनिया को अपने जैविक हथियारों से डराने से पहले मैं यहां मुंबई में एक टेस्ट करना चाहता था और अपने इस घटिया इरादे को पूरा करने के लिए तुमने संजय का इस्तेमाल किया क्योंकि तुम्हें पता था संजय गले तक कर्जे में डूबा हुआ है और वो तुम्हारे काम को मना नहीं कर सकेगा अब बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी पड़ती है संजय तो तुम्हारा मोहरा था और शीना इसको क्यों फंसाया तुमने सिर्फ शीना ही थी जो ये घातक वायरस बना सकती थी इसलिए मुझे इसे ब्लैकमेल करना पड़ा और फिर मैंने मिनी का इस्तेमाल किया और कर भी क्या सकता था ये इसका फूल था और ये मुझे नखरे दिखा रही थी और मैं इसके सामने भी नहीं आ सकता था इसलिए इसकी बेटी को लेकर इसे धमकाया अब ये भी बता दो कि कटोरी डमटा और हरपिस डोंगारा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है सर इसके ग्रुप के सभी लोगों से मिली हूं मैं लेकिन हरपिस और कटोरी ऐसे नाम के किसी भी आदमी से नहीं टकराई मैं आज तक फोटो दिखाओ इसको पहचानते हो इन्हें ध्यान से देखो इन्हें कभी देखा है नहीं सर नहीं कभी नहीं कमाल है
ये लोग इन दोनों को नहीं जानते, तो फिर उस कटोरी को अर्नब के प्लान के बारे में पता कैसे चला? ले जाओ इन्हें। चलो चलो। सीपी साहब बहुत टेंशन में होंगे, सबसे पहले उन्हें ये खुशखबरी दे देता हूँ साड़ुके साहब की। लगा लगा यार, मैं भी बात करूं जरा उनसे। अभिजीत साड़ुके जिंदा है ना? तुझे छोड़कर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। और जाता भी कैसे, तुम्हारे जवान है ना, बचा ही लिया। अभी तेरे जैसा दोस्त हो तो जाने का मन भी किसका करता है। जिंदा है तेरा साड़ुके। ए, 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 साड़ुके। ये तेरा दोस्त तेरा साड़ुके वगैरह ये सब डायलॉग बाजी बंद करा। हाँ ये फिल्मी डायलॉग है सब। तुझे मालूम है ना एसीबी प्रद्युमन का इस दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ काम के सिवा और कोई नहीं। और तुझे मैं जिंदा इसलिए देखना चाहता हूँ ताकि मेरा फोरेंसिक का काम ना अटके, समझे? तू जल्दी ठीक हो जा और खड़े हो जा काम के लिए। सुन लिया, कितना पत्थर दिल इंसान है। मेरी जान सिर्फ इसलिए बचाना चाहता है ताकि इसका फोरेंसिक का काम ना रुके। By God. और नहीं तो क्या है? या स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगरा को ढूंढने के लिए आया हूँ मैं, तेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए नहीं, समझे? अच्छा अच्छा मेरे बाप, ठीक है। ये बता कुछ पता चला? ढूंढ के निकालूंगा उसे, समझ में नहीं आ रहा सर अभी भी जिंदा है या नहीं। सर हरप्रीत डोंगरा हो या कटोरी टमटा, हम लोग इनके राज खोद निकालेंगे। हाँ अभिजीत, मैंने भी यहाँ अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है ना सबको इन्फॉर्म कर दिया, जैसे हरप्रीत डोंगरा के बारे में कुछ पता चले जल्द से जल्द उसे दबोच लूंगा। सर इसी खुशखबरी के साथ जल्दी वापस लौटिएगा, हम सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं। गुड लक। ओके सर। सर सर सर, फोरेंसिक लैब के मोर्चरी से संजय की लाश गायब है। व्हाट? जो अभी तक देखा वो तो कुछ भी नहीं है, आगे जो होने वाला है देख के कांप जाएंगे सीआईडी वाले। कोई तो बिगड़ जाएगा, मरेगा एक तो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।